हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना वॉइस दी थी अपनी, बट यार वॉइस ही नहीं आई थी, फिर मेरे को वॉइस ओवर अभी करनी पड़ी। यहाँ पे मैंने हैंड में लिया है लॉक और मैं जा रही हूँ अभी डिनर पे, हम जा रहे हैं। तो ये मैंने जीन्स, ये टॉप डाला है और साथ में ये वाली ईयरिंग्स जो आप मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देख चुके हैं। तो ऐसे मैं हुई हूँ रेडी, बिल्कुल सिंपल सी, और बस निकलने वाली हूँ मैं। स्पर्श बाहर निकल चुका है ये भी, बस मैं लाइट ऑफ कर दे रही हूँ और फिर अचानक से डिनर का प्लान बन गया। मैं ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं की थी आज, तो बस अब निकल रहे हैं हम। यहाँ आगे हम रेस्टोरेंट में और यहाँ पे ये ऑर्डर करने के लिए सोच रहे हैं क्या ऑर्डर करें। यहाँ मेरे साथ बैठा हुआ है स्पर्श। तो यहाँ पे हमने स्नैक्स ऑर्डर कर दिया है। तो सबसे पहले तो ये पानी आ गया, तो ये पानी सबसे पहले ओपन करते हैं, पीते हैं। कहीं भी जब डिनर करने जाएंगे सबसे पहले पानी पियेंगे। तो यहाँ ये ओपन कर रहे हैं और हमने स्नैक्स में, आपको पता है कि हम सबसे पहले कहीं भी जाते हैं तो हम नूडल्स ज़रूर ऑर्डर करते हैं। यहाँ पानी दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं, स्पर्श को दे रहे हैं। तो नूडल्स हमने ऑर्डर किया है, तो सबसे पहले नूडल्स ही आएगा, क्योंकि नूडल्स क्या है ना, स्पर्श को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो खा लेता है बहुत अच्छे से, और मुझे भी पसंद है और इनको उतना पसंद नहीं है, मेरे को स्पर्श को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम दोनों आराम से खा लेते हैं और उसके बाद हम फिर दूसरा कुछ हम खाएंगे। तो यहाँ पे हमारा नूडल्स आ गया है, यहाँ मैंने स्पर्श के प्लेट में डाल दिया है, इनको भी थोड़ा दे दी हूँ और मैं भी ले ली हूँ। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है बट अभी बहुत सारे नूडल्स हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं। और अगर ज़्यादा तीखा होता है तो स्पर्श नहीं खा पाता है, कम तीखा होता है तो बहुत ही अच्छे से वो खा लेता है। ये उसको दे रहे थे सॉस, और ग्रीन वाली सॉस हम स्पर्श को नहीं देते हैं बिकॉज वो तो हमेशा तीखा ही तीखा होता है, तो वो बिल्कुल ही नहीं खाएगा, जो खाना होगा ना वो भी छोड़ देगा। तो बस मैं भी खा ले रही हूँ और स्पर्श को बीच बीच में मैं खिलाते रहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से प्रॉपर नहीं खाता है, आधा गिराता है आधा खाता है, तो इसलिए वजह से ना मुझे उसको खिलाना पड़ता है कभी कभी। बीच में खुद भी खाता है, मैं भी खिलाती हूँ। तो यहाँ हम मंगा लिए हैं पनीर पकौड़े। तो ये कितना अच्छा सा दिख रहा है ना पनीर पकौड़े, अंदर की स्टफिंग जो होती है ना बहुत ही अच्छी लगती है। और हम जहाँ आए हैं यहाँ के जितने भी डिनर वगैरह स्नैक्स डिनर सब बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको भी दे दिया है, स्पर्श को दी हूँ, पता नहीं वो खाएगा कि नहीं खाएगा, क्योंकि उसका नूडल्स से ही पेट भर गया है, ज़्यादा कुछ नूडल्स में ही ना वो नहीं खा रहा था बाद में, क्योंकि उसका पेट भर चुका था और पानी भी बहुत ज़्यादा पी लिया है। तो बस मैं इस साइड शिफ्ट कर ले रही हूँ पनीर पकौड़े को और हम खा ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं डिनर में क्या ऑर्डर करेंगे। बाद बीच में ये मंगा दिए थे कोल्ड कॉफ़ी, तो कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा सा ना पेट भर गया मेरा। तो उसके बाद तो ये भी बोल रहे थे ना, इतना ही बोल रहे कि अब मैं डिनर नहीं करूँगा, तो बट पेट तो नहीं भरा था कि ना थोड़ी देर बाद भूख लग जाएगी। तो मैंने बोला कि तो फिर हम स्नैक्स में ही कुछ मंगा लेते हैं आगे, डिनर मंगाने के मतलब डिनर करने के लिए बहुत सारे सब्ज़ी फिर नान राइस वगैरह सब कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैं स्नैक्स में ही ना लाइट हमने मंगा लिया है, ये फ्रेंच फ्राइज़ और एक मैंने अपने लिए बर्गर मंगाया है और स्पॉर्श और ये फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। तो बस हम आए थे डिनर करने लेकिन डिनर ही नहीं कर पाए, हम घर से यही सोच के आए थे कि डिनर करेंगे, बट ना पकौड़े की वजह से, पनीर पकौड़े जो थे ना उसकी वजह से हमारा पेट थोड़ा सा ना आधा से अधिक भर गया, तो फिर इसी वजह से हम डिनर नहीं किए। यहाँ स्पर्श खा रहा है, स्पर्श को मैंने इस साइड इसलिए कर दिया है ना क्योंकि उधर ग्लास था, ग्लास से बार बार वो टच कर रहा था, फिर उसके हैंड तो कट जाता है। यहाँ पे बर्गर भी मेरा आ गया है, तो बस एक ही बर्गर हमने ऑर्डर किया है, मैं बर्गर खा लूँगी और ये लोग फ्रेंच फ्राइज़ खा लेंगे। देन उसके बाद हमारा आइसक्रीम आ गया लास्ट लास्ट, और
डिनर नहीं किए, बाकी सारे स्नैक्स एंड आइसक्रीम। तो आइसक्रीम हमने दो ही ऑर्डर किया, स्पर्श के लिए नहीं किया ऑर्डर, क्योंकि फिर वो उतना तो खा ही नहीं पाता, जितना होता है वो बिल्कुल ही नहीं खा पाता। बस डिनर करने के बाद कल ये वाला ब्लॉग इस टाइम कंटिन्यू नहीं करूँगी मैं, कल कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे हमारी हंसी मजाक चल रही थी और यहाँ पे आइसक्रीम बस थोड़ा सा बच गया है, और मुझे वनीला या फिर बटर स्कॉच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम में, बट वो था नहीं यहाँ पे, मतलब इस टाइम ना ख़त्म हो गया था। बस हम यहाँ जाने लगे हैं और इस टाइम मैं ये ब्लॉग नहीं कंटिन्यू करूँगी। स्पॉर्च यहाँ चारों तरफ घूम घूम के देख रहा है। सो चलिए गुड नाइट, मिलती हूँ कल मॉर्निंग टाइम में आप लोगों से। गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। मॉर्निंग के अभी 10:30 हो रहे हैं, सारे काम हो चुके हैं, दाल रख दी हूँ किचन में, बन रहा है दाल और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। यहाँ पे मैं निकाल रखी हूँ मशीन, क्योंकि मैं आपको बताई थी ना मुझे थोड़ी सी फिटिंग करनी है, जो मैं कुर्ता और दिल लेके आई थी, और ये वाला जो टॉप है ना इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला जो टॉप है इसका मुझे समझ में नहीं है। हो सकता है ना सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा श्रिंक श्रिंक सा हो जाए, मतलब खिंचा खिंचा सा होता है ना वैसा हो जाए। और ये वाला ब्लाउज मुझे थोड़ा सा यहाँ से बाजू के पास थोड़ा सा ना फिट हो रहा है ये वाला ब्लाउज, तो मुझे इस ब्लाउज को भी ठीक करना है। देखती हूँ यार, वो पता है काफी टाइम हो जाते हैं ना, तो फिर मेरे को सिलाई ना मतलब भूल चुकी हूँ। और चलिए थोड़े टाइम में मैं सोच रही हूँ, स्पर्श अभी नहीं है तब तक ये सारा काम कर ले। ये वाला सूट जो उस दिन मैं लूज की थी, ये अभी भी थोड़ा थोड़ा ना मतलब लूज की थी, ज्यादा ही लूज हो गया, तो मैं सोच पीछे से थोड़ा सा ना इसमें सिलाई लगा देती हूँ। बस यही सारे काम है, तो मैं सोच रही हूँ स्पर्श स्कूल गया है तो मैं निपटा लूँ ये सारे काम। चलिए कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी सब्जी लगभग बन चुकी है, मैं बना रही हूँ ये आलू और परवल की ड्राई वाली सब्जी, जो आप देख रहे हैं सब कुछ मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, बस थोड़ा सा मैंने इसका ढक्कन हटा के और मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ ये बन रहा है खीर, तो खीर में चावल डाल चुकी हूँ और उसके बाद बस मुझे खोला के कम करना है, मीन्स गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे गाढ़ी खीर ही बहुत ज्यादा पसंद आती है, ऐसी मुझे खीर पसंद नहीं आती, और वैसे भी खीर गाढ़ी हो पतली हो मैं थोड़ा ही खाती हूँ, इतने से ज्यादा मैं नहीं खाती हूँ। इनको बहुत पसंद है, ये खाते हैं, स्पर्श तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, मैं तो थोड़ा खा भी लेती हूँ, स्पर्श एकदम नहीं खाता है। बस सब्जी बन गई है और बर्तन मैं धो ली हूँ, खीर बन रही है, खीर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या हो गया इसमें, फटाफटा सा दूध हो गया या फिर मलाई है? बहुत ज्यादा इसमें मलाई थी ना, आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी मलाई जमी हुई है, इसको मैं बाद में निकाल दूंगी, तो बहुत ज्यादा मलाई है। सब्जी भी रेडी है लगभग, स्पर्श को मैं अभी एप्पल काट के दी थी, अभी मैं करूंगी अपना फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद लाइट ऑन कर लूं मैं, और खाली एप्पल नहीं, पेपर नहीं फाड़ना है। अभी मैं करूंगी फेस वॉश, मेरा फेस बहुत ज्यादा ऑयली हो गया और मेरी अब थ्रेडिंग देख रहे हैं कितना ज्यादा है, तो बस करवा चौथ है इसी वजह से मैं नहीं बनवा रही हूँ बहुत ज्यादा। यार ये तो वीडियो में कम आ रहा है, अगर मैं सामने से देखोगे ना तो भूत की तरह मैं दिख रही हूँ अभी। और ये वाली इयररिंग्स मैंने डाली के लिए हम लेके आए हैं, मुझसे स्पॉट रो रहा था गन के लिए, तो इसका गन खरीद के हम लेके आए, और एक ढोल है, ढोल डमरू, ये दिखाती हूँ, ढोल तो यहीं पे पड़ा हुआ है, ये देखिए ऐसे नहीं ऐसे बजता है। गोलगप्पे पता है बहुत दिनों बाद में बाहर गोलगप्पे खाए नहीं, तो हमेशा क्या होता है ना रेस्टोरेंट में खा लेती हूँ, ये भी पता है, ये भी वहां भी खाने नहीं दे रहे थे, मैं बोली नहीं मुझे बस खाना है बाहर का गोलगप्पे, तो ये बोले कि ठीक है खा ले, तो मैंने 20 रुपए का खाया, ये 10 का 4 देते हैं, 20 का 8 दिए थे, नहीं 9 दिए थे, 9 दिए थे एक एक्स्ट्रा लास्ट में, तो काफी ज्यादा मन खुश हो गया कल बाहर के गोलगप्पे खा के। वैसे मेरा बस चले तो मैं बाहर ही खाऊं, ये रहते हैं साथ में तो नहीं खा पाती हूँ। और उसके बाद सब्जी बन जाएगी, उसके बाद फेस वॉश करूंगी, थोड़ा सा मैं घर में झाड़ू लगाऊंगी, थोड़ा बहुत झाड़ू लगाना, ज्यादा मतलब थोड़े थोड़े स्पर्श ने कागज जो बिखेर रखे हैं उसको, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड के घर, फ्रेंड के घर जाना है, और देखती हूँ कब जाती हूँ, मेरे को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है इयररिंग्स वगैरह की, तो चलिए बाद में मिलती हूँ, वहां भी जाके हो सकता है मैं थोड़ा बहुत शूट कर लूँ, चलिए मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ पे जस्ट मैं अभी आंगन में आई हूँ कपड़े उतारने के लिए, और ये वाला जो बेडशीट है ना मैंने वॉश कर लिया था, और एक्चुअली कल ना एक मैं प्रोडक्ट मंगाई थी ऑनलाइन, वो उसकी मैं अनबॉक्सिंग करी, अनबॉक्सिंग नहीं किया था, ऐसे ही मैंने खोल के रख दिया था, और जैसे खोल के रख के मैं लेट गई थी उतने में स्पॉश ने उसमें से सारा कुछ गिरा दिया, और उसके बाद फिर मेरे को ये बेडशीट वॉश करना पड़ा। फिर मैं इसको, और हाँ मेरे पास ना अभी एक कॉमेंट्स आया हुआ था जस्ट इसी बेडशीट के बारे में, तो मुझे बस अभी याद आ गया,
कि उन्होंने भी, मेरी एक सब्सक्राइबर है रिचा करके नाम है, तो उन्होंने भी ना ये बेडशीट मंगाया है, तो वो उनका ये कमेंट्स था कि मैंने भी ये बेडशीट मंगाया है, प्रिंट तो बहुत अच्छा है बट मटेरियल अच्छा नहीं है। तो चलो मटेरियल हो सकता है, लेकिन मेरे को इसका मटेरियल ठीक इसलिए लगा क्योंकि जयपुरी कर्टन जो भी बेडशीट होते हैं ना, यही वाले मटेरियल बिल्कुल कर्टन में होते हैं, बिल्कुल मतलब मेरे को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं आप लोगों से बोली थी। और मेरे को मतलब जयपुरी प्रिंट्स मैंने बहुत सारे यूज किए हैं, बेडशीट जयपुरी बेडशीट, तो उसके सारे प्रिंट्स लगभग ना जो कपड़ा होता है इसका मटेरियल होता है ऐसे ही होता है, तो अच्छा है, मेरे को तो ठीक लगा इसका मटेरियल, तभी मैं आप लोगों को बताई थी। अच्छा लगा आपने इसका कमेंट्स किया, आपने परचेज किया। और बस इधर इसका पिलो कवर है तो मैं लेके जा रही हूँ, और सब्जी मेरी लगभग बन गई है, मैं बंद कर चुकी हूँ और गैस बंद कर दी हूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊंगी। और अभी अपनी फ्रेंड के पास फोन की थी तो वो बोली कि मतलब वो अभी शॉपिंग कर रही है करवा चौथ की, तो आजकल सब जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए ही जा रहे हैं, तो वो सूट लेने गई थी, तो उसको मैं कॉल करी कि घर पे हो कि नहीं हो, तो बोली कि मैं थोड़े टाइम बाद आऊंगी, तो मैं बस मतलब अभी तो नहीं जाऊंगी, आधे घंटे लेट से जाऊंगी आज उसके घर, फिर शॉपिंग मुझे भी इयररिंग्स वगैरह लेने हैं करवा चौथ के लिए, मीन्स मैं सोच रही हूँ नेकलेस प्लस इयररिंग्स, और टीका, टीका मैं नहीं लूंगी, टीका बहुत हो गया यार मेरे पास ना, तो मैं सोच रही हूँ अगर मुझे जो पसंद आएगा मैं लूंगी, और बनवा तो थोड़ा बहुत मैं वीडियो शूट करूंगी। चलिए फिर अंदर चलती हूँ। तो यहाँ पे मैं इयररिंग्स देख रही थी, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा मैं सूट कर लेती हूँ, तो ये इयररिंग्स ना मुझे बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा था, बट इसमें से मैंने जो मैं ली हूँ ना उसको निकाल दी हूँ साइड में, वो रख दी हूँ, ग्रीन कलर में ली हूँ, बाकी इसमें से भी मैं देख रही थी कि इसमें से अगर कोई पसंद आ जाए तो सूट का मैचिंग मिल जाए, बट ब्लैक कलर का तो मेरे पास बहुत सारे हैं और सिल्वर कलर का, और ये वाला जो ये दिख रहा है आपको वाइट कलर में पंखुड़ी जैसा, तो हाँ ये वाला मैंने चूज किया है, जो मैं सोची कि चलो दिखा देती हूँ अभी, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊँगी आप लोगों से। और उसके बाद ये वाला इसमें से ये भी बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था यार ये वाला जो पंखुड़ी टाइप का आपको दिख रहा है, तो चलिए मैं इसको भी दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, और इसका जो वेट है ना काफ़ी लाइट वेट है, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, तो अगर और इसको हम किसी भी सूट कुर्ती के साथ भी वेयर कर सकते हैं, तो मैंने इसमें से लिया है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अभी बता दूंगी तो फिर सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि मैंने क्या लिया है। तो ये वाला जो इयररिंग्स है ना टॉप्स में ही है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, तो मुझे ना इसमें से नहीं लेना था, बाद में मैं बोली उन्हें कि बाद में आप रखो और मैं बाद में देखती हूँ, सबसे लास्ट लास्ट में ना इसमें से मैं सेलेक्ट करूँगी, तो उसको बस मैंने साइड में रख दिया। और ये सारे इयररिंग्स भी बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, आप देख सकते हैं, कुछ हैवी भी हैं कुछ लाइट वेट भी हैं, इसका मैं नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं, तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, ये जो दिख रही लड़ी लड़ी सी ये मुझे पसंद आ रही थी, बट मैं लास्ट ऑप्शन इसको रख रही हूँ कि अगर मुझे कोई और पसंद आ गया तो मैं उसको ले लूँगी, इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि इस टाइप की इयररिंग्स मेरे पास बहुत सारी है। उसके बाद ये वाली इयररिंग्स देखने के बाद मैं देखने लगी थी नेकलेस, तो यहाँ पे मैं एक चूज करूँगी, आप लोग बताना कि अगर मेरी पसंद आप लोग को पता है तो आप लोग बताना कि मैं कौन सा इसमें से सेलेक्ट की हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत जो भी दिखता हो, क्योंकि वैसे भी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ना मीन्स इसके बाद जो कल वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, तो ये थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर रही हूँ करवा चौथ की, और बस आज मैं बस इयररिंग्स ही लेने आई थी, ज़्यादा कुछ लेने नहीं आई थी, तो इसका एक स्टोन्स ना मतलब इसमें नहीं था, तो आप लोग बताना कि मैंने कौन सा लिया है, वैसे कल की वीडियो में तो मैं दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी, मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे लगे इसमें, लेकिन मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी हूँ, बहुत ही कम चीज़ें मैं ली हूँ इस बार, क्योंकि बहुत सारे इयररिंग्स मेरे पास हो गए हैं, जैसे कि आप मेरे कलेक्शन देखते हैं बहुत ज़्यादा इयररिंग्स मेरे पास हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा कम मैं जो भी शॉपिंग है ना कम करूँगी, क्योंकि इयररिंग्स इतने सारे हो गए हैं ना कि अगर मैं मैचिंग लगाऊँ ना तो जितनी सूट नहीं है मेरे पास उसकी डबल ट्रिपल मेरे पास इयररिंग्स हो चुकी हैं,
तो ये टीका वाला भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये वाला भी मुझे ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ब्लैक एंड सिल्वर, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। बट मैं एक ही कोई लूँगी, क्योंकि बहुत मेरे पास नेकलेस वाला भी है, और ये आप देख रहे हैं ना, ये स्टोन्स में है, सारे स्टोन्स में है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे थे। चलिए अब इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टेक केयर।